तो और मेरे भाइयों, क्या हाल है सबके? आई होप कि सब लोग मौज में होगे और मजे कर रहे होगे। तो यार आज फिर से तुम्हारा भाई खेल रहा है बीआर रैंक। मतलब आज फिर से का मतलब है मेरी तरफ से कि आज 10 दिन बाद मैं खेल रहा हूँ बीआर रैंक, क्योंकि डेली वो ही सीएस रैंक खेलता हूँ भाई, वो सड़ा सा मोड। बट यार मुझे बीआर बहुत ज़्यादा पसंद है, बट इसलिए ही नहीं खेल पाता हूँ क्योंकि यार थोड़ा सा पीसी में लैग करता था। बट कोई नहीं, अब 3-4 दिन की बात और है। तुम्हारे भाई ने एक जीपीयू पसंद कर लिया है जिसका नाम है AMD RX 6600, ठीक है? वो 8GB VRAM वाला है एंड उसको मैं लेने वाला हूँ। एंड आप लोग बताना कि कैसा ग्राफिक कार्ड है वो, मुझे अंडर 20,000 में मिल जाएगा। मतलब अंडर तो नहीं, थोड़ा सा 1-2 हज़ार ऊपर ही देने पड़ेंगे। 21-22 हज़ार का मिलेगा शायद, क्योंकि अमेजोन पे मैंने प्राइस चेक करा तो 21-22 हज़ार का, ठीक है? तो चलो इस रैंक मैच में आते हैं। तो भाई इधर मैंने पेटी बना दी, पूरी स्क्वाड आई थी भाई यहाँ पे, मतलब 3 बंदे तो यहाँ पे ही थे अकेले, पता नहीं कैसे आ गए। तो इसको लेता हूँ, इससे नोक। और भाई ये बंदा पता नहीं क्या बोट था क्या था, इस बंदे को भी लेते हैं। एंड यहाँ पे लूट लूट के एंड फुल डिस्प्ले करके दिखाया करूँगा, जैसे कि हैंड कैम की कुछ वीडियो बना लो छोटे वाले में, मतलब जैसे 1x में, एंड फिर कर दो डिस्प्ले की साइड जूम। एंड मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि जूम मतलब मैं कैसे बोल रहा हूँ, जैसे हल्का सा ट्राईपॉड को ऊपर उठा के और फोन को लगा दो भाई 2x पे, क्योंकि तुम्हें पता है iPhone 15 में 2x ऑप्टिकल होता है, तो रेजोल्यूशन मतलब बिल्कुल भी क्वालिटी कम नहीं होगी, पूरा बढ़िया दिखेगा आप लोगों को। एंड अब भाई यहाँ पे बन जाती है हमारी थोड़ी सी पेटी। पेटी कैसे बनती है भाई, मैं इस बंदे को देता हूँ डैमेज। एंड मैंने करा इसको ब्रस, मुझे लगा था भाई ये नहीं देख रहा होगा, नहीं मारेगा, बट इसने एकदम से ही MP40 भर दी तुम्हारे भाई पे। बट कोई नहीं, अब तुम्हारा भाई खेलेगा CS रैंक, ठीक है भाई? जैसे कि तुम लोगों को पता है कि CS रैंक का तो भाई तुम्हारा भाई महारत ही है। CS रैंक में तो 1v4 कर सकते हैं, तो आ चुके अब CS रैंक में। सामने से एक बंदा रस करके आया और इसको मार देंगे हेड शॉट, ठीक है? एक बंदे को हेड शॉट मारते हैं और इससे मर जाते हैं भाई, क्योंकि मरना चाहिए। जब तक तुम लोग मरोगे नहीं, जब तक तुम लोग प्रो कैसे बनोगे? तो पहले मरना सीखो फिर मारना सीखो बंदों को, ठीक है? तो अभी चलते हैं आगे भाई। यहाँ पे एक बंदा दिखता है, उसको ले लेते हैं नोक। एंड नोक लेने के बाद करते हैं मेडी, क्योंकि भाई मेडिकिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ। मेडिकिट इज द की टू सक्सेस, मैंने आप लोगों को समझाया था पहले भी एक वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो बता देता हूँ, ठीक है? बट सामने एक और बंदा दिखता है और इस पर एम नहीं लगता भाई। मैं मतलब बड़ी कोशिश करी इसके ऊपर मारने की, बट एंड में लग जाता है। यहाँ पे एक बंदा था, ये पता नहीं खुद क्यों परेशान सा था थोड़ा, मतलब शायद मुझे लग रहा डीमोटिवेट था ये बंदा, तो इसको थोड़ी मोटिवेशन देते हैं। ले भाई मोटिवेशन, ठीक है? इसको दे दिए एक तहलका ऑमलेट की एक छोटी सी डोज और आ चुके हैं अगले राउंड में। एंड भाई साहब अगला राउंड हो गया बहुत ही ज़्यादा बेकार राउंड, जो मुझे इस मैप में सबसे बुरा लगता पीक भाई पीक, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी जगह है इस मैप में एंड कुछ पता नहीं लगती इसमें बंदे किधर जा रहे हैं किधर से आ रहे हैं। तो यहाँ पे खड़ा था, इसकी जल्दी से डाल देते हैं पेटी। और बाहर ये मेरे टीममेट को मार रहा था, एक बंदा और मार रहा वो रहा देखो, पर मैंने इसे छेड़ा नहीं, मैंने कि चलो मेरे टीममेट ही मार लेंगे इसे, और मार भी लिया था वो जब तक मैं देखता। तो मैं पीछे से जाता हूँ, पीछे से जाके भाई ये बंदा सबकी पेटी डाल देता मेरे टीममेट की। तो इसको जल्दी से जाके देता हूँ मैं हेड, बट इसको यार थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा ही ड्रैग करना पड़ा जब जाके हेड लगा इसे, पता नहीं क्यों सेंसिटिविटी कभी कभार हो जाती ऊपर नीचे, क्योंकि अभी ग्राफिक कार्ड नहीं है तो मुझे लग रहा है कि शायद यही दिक्कत है एम ट्रम्बल होने की। तो इधर भाई बहुत गंदा डैमेज देती है लड़की, तो मैं वो लगा के जल्दी से हील करता हूँ जब तक उसकी बना देती है पेटी। ये जो मेरी टीममेट थी या टीममेट था जो भी था, मतलब रेंडम ही थे, मुझे तो क्या ही पता इनका कौन थे, ठीक है? मैं आता हूँ सामने की साइड एंड यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखता है भाई बिल्कुल एकदम मेरे सामने, ये रहा। एंड इसको भी तुम्हारा भाई किल नहीं कर पाता क्योंकि टीममेट ही किल चुरा लेते हैं, ठीक है भाई? तो 3-4 दिन बाद तुम्हें फुल मैप की वीडियो देखने के लिए मिलेंगी बिल्कुल ढंग की, जैसे अंकुश FF भाई वगैरह डालते हैं सारे, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी, तो उन वीडियो को खूब सारा सपोर्ट करना। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर देना एक लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड शेयर तो भाई तुम लोग कर ही देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।